ట్రాన్స్లేట్ హరే కృష్ణ ట్రాన్స్లేట్ హరే కృష్ణ అభి జా ఆయ సార్వభౌమ భట్టాచార్య కా భవన ఇలా అవి మహారాజ జీ బా రే సార్వభౌమ భట్టాచార్య కౌన కే శ్రీ బృహస్పతి దేవ గురు బృహస్పతి ఇలా జ శ్రీ చైతన్య మహా ఇసి జగత్ మే జ మహాప్రభు అకేలే నహీ ఆతే ఇసి శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కహతే శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు జీవ దయాకారి సపార సహత సింహ సహావతారి అత్యంత దుర్లభ ప్రేమ కారి వారిదా महाप्रभु जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं भाई वाले इसका बेटर शायद खत्म है हरे कृष्ण हमारे भाई कहाँ गए हमारी माई कहाँ गए हरे कृष्ण बेटर है ना हरे कृष्ण हरि बोल इसलिए महाप्रभु जब आते हैं पूरा परिकरों को इसी जगत में लेकर के आते हैं अभी श्री సార్వభౌమ భట్టాచార్య ప్రశ్న హే యే దేవ గురు బృహస్పతి యే దేవతాం కా గురు హే లేకిన్ యే దేవ గురు హోకర్ కే ఫిర్ యే మాయావాది కైసే హోగే యే బ్రహ్మవాది ఫిర్ కైసే హోగే యే యే హే ఇస్లియే యహాన్ పర్ శ్రీమన్ చైతన్య మహాప్రభు ఇన్కో మాధ్యమ కర్కే జగత్ మే జీవో కో శిక్షా దేనా చాహతే హే जो शंकराचार्य का जो फिलोसफी है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, है? इसलिए इसी समय उनका नाम भी सार्वभौम सार्वभौम का मतलब क्या है मतलब संपूर्ण पृथ्वी में इतने बड़े अद्वैतवादी जगत में इतने बड़े अद्वैतवादी कोई नहीं थे संपूर्ण भूमि में है वो संपूर्ण एक छत्र अधिकार जिनके था एक छत्र जिनके पूरा अधिकार था इसलिए श्रीमान महाप्रभु इनको माध्यम करके भक्ति को ही जगत में स्थापन करना चाहते हैं इसलिए श्री महाप्रभु जब यहाँ पर आए दूर से उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हुए उनके झंडा को दर्शन करते हुए महाप्रभु बोले ये बताओ पहले तो मेरा दंड नित्यानंद प्रभु तोड़ दिए अभी तुम लोग पहले जाओ नहीं तो मैं पहले जाऊंगा बताओ कौन पहले जाएगा बोले प्रभु आप ही पहले जाओ जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में आए लेकिन हम जगन्नाथ जी को कैसे देखते हैं हाथ नहीं आंख इतने बड़े बड़े आंख हैं जिनकी प्यार नहीं लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन किए बोले विग्रह न तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन वो विग्रह रूप नहीं उनको साक्षात रूप में जिसको महाप्रभु कहते हैं बोले कदाचित काली तट विभिन्न संगीत तरल मुदा भी नारी बदन कमल आस्वाद मधुब रमास ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें इसलिए महाप्रभु जब दर्शन करते थे कैसे जैसे मानो वृंदावन में श्री जमुना कलकल नाद से जमुना बह रही है जहाँ पर जुई बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं जहाँ पर कोयल कू कू कर रही हैं जहाँ पर मयूर केका कर रहे हैं मयूर इसलिए गत इस रूप में और उदाहरण दिया है श्री कृष्ण का मुख कैसे है एक कमल जैसे और उनकी घुंघडाली कैसे जैसे गत जैसे वहां पर भौरा जैसे बढ़ा रहे हैं और गोपियां वो कृष्ण की बुखार बिंद रूपी अधर उनका जो अमृत भी ये गोपियां पान कर रही इसलिए महाप्रभु का भाव है इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन किए देखा ये साक्षात कृष्ण अब ये मेरे को बुला रहे हैं इतने में महाप्रभु वहां से दौड़े जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए
और वहां पर आप लोग पंडित लोगों को देखो कितने मोटे मोटे, बोले ये कहां से सन्यासी आ गया है, ये भगवान को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इतने में पंडित लोग वहीं पर रोक दिए, तो वहीं पर महाप्रभु मूर्छित होकर पड़े। और ये महाप्रभु की इच्छा है इतनी समय में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर, महाप्रभु का सब कुछ इच्छा है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वो बृहस्पति, इसलिए इन्होंने महाप्रभु का शरीर में जो लक्षण को देखा, श्वेत अश्रु कफ पुलक वैवर्ण, नियम है किसी साधक का शरीर में प्रेम का केवल एक ही लक्षण दिखता है, अगर श्वेत होगा तो स्तंभ नहीं होगा, स्तंभ होगा तो वैवर्ण नहीं होगा, केवल जीव में केवल एक ही प्रेम एक कट प्रकट हो सकता है। लेकिन देखा चैतन्य महाप्रभु के शरीर में एक साथ में अष्ट सात्विक विकार, सारे प्रेम का लक्षण। सार्वभौम भट्टाचार्य कभी उन्होंने सुने थे कभी ये आठ सात्विक विकार, लेकिन जिंदगी में कभी देखे नहीं, लेकिन उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर में ही उन्होंने एक साथ में सारे विकार श्री महाप्रभु का शरीर में देखे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। तब उन्होंने सार्वभौम महाराज ने बताए सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे उनको यहीं पर ले आए, उनका जो भगिनीपति गोपीनाथ था उन्होंने बोले देखो सार्वभौम को देखो, ये जो चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य सारे शास्त्र को पढ़े हुए सारे शास्त्र को जानते हैं, बोले नहीं शास्त्र बताया त्रिजुगी, त्रिजुगी मतलब है सत्य त्रेता द्वापर, कलि युग में कोई अवतार है ही नहीं, तुम कैसे बता रही हो भगवान, प्रमाण क्या है, तो ये प्रमाण क्या है। तब उन्होंने बताया देखो तब भी उनको हाँ, इसलिए उपनिषद में कहता है जब मैं बैस प्रणुते तेन लभ्यम तसै से आत्मा प्रवृणुते तनुष्या, उनको वही जान सकते हैं सही जाने जा रहे देहु जाना है, इसलिए वही जान सकते हैं जिनको भगवान कृपा करके उनको जनाते हैं। बोले ये शास्त्र में क्यों नहीं लिखा हुआ, बोले इसलिए शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, ये जो अवतार है ये प्रचंड अवतार है, ये प्रचंड अवतार है, इसलिए शास्त्र में नहीं बताई गई। लेकिन भागवत में बहुत सारी जगह में भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है भागवत में बताया गया, एकादश स्कंद में जब नेमी नव जोगेंद्र संवाद है, जब श्री नव जोगेंद्र नौ प्रश्न करते हैं, है ये नव जोगेंद्र को नौ प्रश्न नेमी महाराज करते हैं, उसमें एक प्रश्न है कलियुग में अवतार कौन है और उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो वो श्लोक में डायरेक्ट कहते हैं बोले कृष्ण वर्ण मुतिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्यै संकीर्तन प्रायै जजति ही सुमेधस। कहते कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे हैं बोले कृष्ण वर्णम, कहते जो कृष्ण ये जो दो वर्ण है और जिसको जिह्वा में हर समय बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ये हरि नाम रूपी संकीर्तन के द्वारा उनको भजन करेंगे। बोले किसको भजन करेंगे, बोले जिसका शरीर का अंग कैसे है आ कृष्ण मतलब काले नहीं गौर है। बोले क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं अंग नित्यानंद और अद्वैत आचार्य, बोले और ऊपर बोले पार्षद श्री जी श्री कहते श्री गदाधर पंडित श्रीवास पंडित ये परिकरों को स्वरूप दामोदर राय रामानंद ये परिकरों को साथ में आएंगे, कहते ये प्रमाण है। वहां पर गर्गाचार्य भी कहते हैं बोले आसन वर्णास्त्र गृहोत अनुयुगात को कर रहे थे, जिसको द्वारा मायावाद की फिलोसफी कैसे खंडन की जाती है श्री बन महाराज जी वो सब बात को बता रहे थे। पता नहीं आप लोग कितना कितना समझे मेरे को पता नहीं चला, लेकिन महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। तब वहां पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्होंने बोले तुम युवक सन्यासी 26 साल देखने पर इतने सुंदर हो हैं, लंबे चौड़े राधा रानी कितने सुंदरी है कृष्ण कितने सुंदर है, अगर दोनों मिल जाए तो बताओ कितना सुंदर नहीं होंगे अद्भुत, इसलिए कहते ना बहु कोटि चंद्र जिनी
बदन उज्जल है, बहुकोटि चंद्र को जीत करके महाप्रभु देखने में सुंदर है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी चेहरा को देख करके बोले, एकदम शरीर तुम्हारा जवन फूट रहा है, जवन तुम्हारी एकदम प्रकाशित हो रहे हैं। इतने जवानी अवस्था में जिस काम को ब्रह्मा शंकर नारद इनकी जीवन में भी दिखाया, जो काम को वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और इतने जवानी उम्र में और पत्नी को विष्णु प्रिया को तुम छोड़ करके 15-16 साल में विष्णु प्रिया को छोड़ करके सन्यासी कैसे ग्रहण करोगे। इसलिए ये वेदांत सुना, ये वेदांत सुनोगे तो सन्यासी ग्रहण क्या कर सकते, क्यों वेदांत में ये संसार को खंडन किया है, ये सही केवल